करते हैं पीसीसी, जहां पे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। दशरथ, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है, आगे आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी, कौन कौन इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है, इसके साथ ही कितनी देर में बैठक शुरू होगी? देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और खास तौर पे प्रदेश प्रभारी रंधावा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि सचिन पायलट अभी नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ी देर में सचिन पायलट भी यहाँ पहुंच सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी खासकर टिकटों को लेकर जो है वो इस बैठक के अंदर मंथन होगा, किस व्यक्ति को टिकट देना है, किस व्यक्ति को टिकट नहीं देना है, ये मंथन इस वक्त कह सकते हैं थोड़ी देर में यहां पर शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस वॉर रूम की, जहां पर पीसीसी के जो प्रदेश प्रभारी हैं सुजिंदर सिंह रंधावा वो यहां पर पहुंचे हैं। आज वो जयपुर पहुंचे थे और उसके बाद में अब वो यहां पर वॉर रूम पहुंच गए हैं। अशोक गहलोत खुद यहां पर मौजूद हैं और पीसीसी चीफ डोटासरा भी इस वक्त मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में शामिल होंगे और खास तौर पर इस बैठक में मंथन होगा चुनाव को लेकर, चुनाव में खास तौर पे किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए, किस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए और क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक विस्तृत जो चर्चा है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर जो है वो इस बैठक के अंदर होनी है। इस बैठक से पहले तस्वीरें जो है वो कांग्रेस का जो वॉर रूम है उसके बाहर की है, जहां पर टिकट के जो इच्छुक जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी यहां कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। नरेश मीणा जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर देवली उजियारा की जो सीट है वहां से वो टिकट मांग रहे हैं और वो टिकट की मांग को लेकर समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्टेट इकाई है उसके सामने प्रदर्शन कर वो ये चाहते हैं कि उनको टिकट दिया जाए। बहरहाल टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक अलग सवाल है, लेकिन कांग्रेस के तमाम जो नेता है दिग्गज है वो यहाँ पर कांग्रेस वॉर रूम के अंदर जुटना शुरू हो गए हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद में आकांक्षा ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक के अंदर खास तौर पे किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो, ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं, भंवर जितेंद्र है एआईसीसी के महासचिव भंवर जितेंद्र यहाँ पर चुनाव है, क्या दावे हैं, क्या जीत के दावे हैं, क्या अभी पहले बैठक हो जाती है उसके बाद में बताता हूँ। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और जिस तरह से पूर्व में भी हमारे देखिए आकांक्षा भंवर जितेंद्र यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एआईसीसी के महासचिव है वो भी यहाँ पर पहुंचे, वो भी इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक है इसमें शामिल होंगे और उस बैठक में खास को तौर पर रणनीति जो है वो रणनीति जो है वो टिकटों को लेकर होगी। एक तीन नामों का जो अलग अलग प्रस्ताव है 7 सीटों पर, वो यहाँ पर पैनल तैयार किया जाएगा और वो पैनल जो है वो एआईसीसी तक जाएगा और एआईसीसी फिर किसी एक नाम पर मुहर लगाएगी, यानी कि अगले एक या दो दिन में या कल परसों तक कांग्रेस की तमाम जो सीटें और अलायंस होगा नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर हमने देखा 84 और खींवसर के अंदर कांग्रेस ने अलायंस करा था। खींवसर के अंदर हनुमान बेनीवाल जो आरएसपी के सुप्रीमो थे उनको लोकसभा के अंदर पार्टी ने सपोर्ट किया था, 84 के अंदर बाप पार्टी को सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं और पार्टी का जो पदाधिकारी हैं या जो धरातल के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि किसी प्रकार से अलायंस नहीं होना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला है जो कांग्रेस आलाकमान करेगा। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा के दौरान बाप पार्टी को और आरएलपी को कांग्रेस ने अलायंस में शामिल किया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। तो क्या लगता है कि अकेले अगर कांग्रेस मैदान में उतरती है तो उसकी शक्तियों पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 13 नवंबर को वोटिंग से पहले निश्चित तौर पे नामांकन का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने 6 सीटों पर डिक्लेयर कर दिए अपने उम्मीदवार, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस एक राय मशविरा करके तय करना चाहती कि इसको उम्मीदवार बनाया जाए और 2 सीटें जो खासतौर पर खींवसर और 84 की है वहां पर मुझे लगता है कि इस बार पार्टी अपना उम्मीदवार यहां पर उतार सकती है, इस तरह की संभावना पूरी पूरी है। और इसी के मद्देनजर ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अभी शुरू होगी, इस बैठक के अंदर
डिस्कस होगा। नामों को लेकर तीन तीन लोगों के पैनल बनाए जाएंगे और संभवतः दो तीन सीटों का क्लियर माना जा रहा है कि वहां पर अमुक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। जैसे कि झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर बृजेंद्र ओला जो सांसद बन चुके हैं उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा जो रामगढ़ की सीट है वहां पर जो जुबेर खान की डेथ हुई है, विधायक थे कांग्रेस के, उनके छोटे बेटे को टिकट दिया जाएगा। दो टिकटों को लेकर लगभग एक राय है कि वहां दोनों टिकट इनके परिवार को जाएंगे, लेकिन बाकी जो सीटें हैं उनको लेकर एक विस्तृत चर्चा है वो इस बैठक के अंदर होगी। आकांक्षा धन्यवाद दर्शक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस वॉर रूम में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है, जहां ये बैठक प्रदेश प्रभारी रंधावा की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही एआईसीसी महासचिव भवा जितेंद्र सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि अगले एक दो दिन में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा उपचुनाव को लेकर लिस्ट की घोषणा हो सकती है। और अब रुक करते हैं।